को नाजिन आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलक उस्मान साहब के साथ, जो कि यहाँ सी यू हैं लैक विस्टा के, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे सोसाइटी के हवाले से थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, सोसाइटी जो कि NOC के हवाले से बात करते हैं, और ख़ासतौर पर इस वक्त जो महंगाई है और ख़ासतौर पर प्रॉपर्टीज़ का जो काम चल रहा है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे कुछ हमारे साथी कम्युनिटी के जो लोग हैं, कुछ खबरें जो हैं। हालांकि ये जो टोटली सोसाइटी है, मलिक साहब बता रहे थे कि NOC इनका अप्रूव्ड है, RDA से और ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी कंप्लीट है, उसके बावजूद भी हमारे कुछ साथी कम्युनिटी के जो लोग हैं इनके खिलाफ़ आए दिन खबरें वगैरह लगाते रहते हैं, और ये उनकी तरफ से एक ज़्यादती का मकाम है। उसके बारे में इनसे राय पूछते हैं। भैया आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक उस्मान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। आप सोसाइटी के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोसाइटी लेक विस्टा अडयाला रोड पर वाक़ है, और प्रॉपर RDA से इस मंजूर शुदा है। RDA के तमाम बायलॉज के मुताबिक जो है वो हमने इसकी सबमिशन करवाई, और प्रॉपर तमाम कानूनी जो पहलू थे वो हमने कंप्लीट करके उसके बाद हमने NOC RDA से हासिल किया, और उसके बाद हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी RDA की बायलॉज के मुताबिक हमने वो कंप्लीट, और ये सोसाइटी तकरीबन हमने 1.5 साल पहले लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कितनी एकड़ पे मुश्तमिल है ये? एक 166 कनाल पे हमारा इनिशियल NOC था, उसके बाद अभी हम इसको एक्सटेंशन की तरफ प्लान कर रहे हैं। ठीक जी। इस हवाले से आप देखें कि ये अगर हम सोचें तो आजकल के दौर में एक घर बनाना गरीब आदमी के लिए एक खौफ सा है, और ख़ास तौर पर इंस्टॉलमेंट में प्लाट देना एक खिदमत एक अलग सा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ठीक है, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट तो हर बंदे ने लेना होता है, लेकिन अगर एज ए खिदमत एक अलग इसको किया जाए उसमें अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होती है और अपना भी काम सिलसिला चलता रहता है। इस हवाले से आप ये सोच के इस प्रॉपर्टीज़ के काम में आए, अपने सोसाइटीज़ को लॉन्च किया, या आपका मकसद सिर्फ सिर्फ कमाना ही था? बात तो ये होती है ना। बिल्कुल आपने ठीक बात की। आजकल के इस महंगाई के दौर में इंसान अपनी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना कोई घर बना सकता हूँ, बना लूँगा या बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपनी सोसाइटी के अंदर पहुँचा है। हालाँकि हमारी जो लोकेशन है वो विद इन सिटी है, कचहरी चौक से टोटल 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम कैश के ऊपर भी अपनी सोसाइटी को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ उसमें ऐसे ब्लॉक्स रखे हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम दे रहे हैं, इसी वजह से कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग एक नौकरी पेशा आदमी हैं जिसको एक मंथली इनकम आती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है अपनी सोसाइटी लॉन्च की, ताकि उस वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकें जो यकमुश्त पेमेंट नहीं कर सकते और अपने एहसास नहीं बना सकते, अपना रहने के लिए छत नहीं बना सकते, उनको मुश्किलात पेश आती हैं, सारी ज़िंदगी वो मेहनत मजदूरियां करते हैं और आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक खिदमत खल्क भी बिल्कुल हम डेफिनेटली इसी को मद्देनज़र रख हमने ये प्लान किया, और हम ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर सोसाइटी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के और पिछले मेरे ख्याल में 2 सालों से चल रहे हैं, उस हालात के बावजूद आप लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? सर बिल्कुल इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं, एक तो ये है कि हम बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। आजकल सोसाइटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि वो हज़ारों के तादाद में फाइल सेल करते हैं, उनके पास ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर जगह नहीं, और वो लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 2 सेक्टर जोन से हैं वो डेवलप कर दिए हैं साइट के ऊपर। हमने जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, रोड, सीवरेज वगैरह, मॉस्क वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम घरों के मंसूबे भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम घर भी बना के दे रहे हैं माशा। तो हम अभी ये प्लॉट का कॉन्सेप्ट जोन सा है वो जब फाइल जिसको आप कहते हैं, फाइल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली तो ज़मीन इंसान अपनी जो है वो सर वो तो फाइल्स देखी हैं कि एक एक फाइल की कितनी कितनी जगहों पे बिकी होती है और वहाँ पे प्लाट नाम की कोई वजूद भी नहीं होता। बिल्कुल और आपको पता है कि कितनी सोसाइटीज कैसे कैसे फ्रॉड करके यहाँ से मूव भी कर चुकी हैं, वो भी आपके सामने ही है, हर बंदा इस चीज़ को देख रहा होता है। लेकिन खासतौर पर आजकल के दौर में डिलीवर करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए सर हम ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी विजिबिलिटी है, जो आप जाके देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल के ऊपर ये सोसाइटी खड़ी है और किस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है और कितने टाइम में डिलीवरी हो सकती है। वो बंदा जो बंदा विजिट करता है वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है एग्जैक्ट प्रोजेक्ट की सिचुएशन। मतलब साहब अच्छे और बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे अच्छे और बुरे लोग ना हो। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है, ठीक है। हमारे कई ऐसे भी एंकर हजरात हैं जिनके पास साथी हेलीकॉप्टर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हमारे साथी कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने अच्छी सहाफत की, दो वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। उस हवाले से आप जो लोगों को आप उपलाइज करते हैं, हमारे जैसे भाइयों को उपलाइज करते हैं आप, तो आगे जाके वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके खिलाफ कपड़े लगाते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल एक आपके पास टोटली एनओसी है, आपकी जो पूरी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल ओके है, उसके बावजूद ये सिलसिला क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात आप इसको देखते हैं ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें, अपने साफी भाइयों को रोक सकें कि इस किस्म की चीज़ें ना किया करें और आप जैसे लोगों को तंग ना करें? सर मैं बड़े बड़ी साफत की रिस्पेक्ट करता हूँ और तमाम एंकर पर्सन की, जो भी जिससे भी मेरी मुलाकात होती है मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ, क्योंकि आप भी एक खदमत खल्क का काम कर रहे हैं और आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है हर एक चीज़ में। अवाम को अवेयरनेस आज अगर आई है तो वो आप लोगों की वजह से आई है, अगर सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है तो जर्नलिज्म की वजह से होगा। तो मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और हमें कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नेगेटिव हमारी खबरें लगा रहा है या पॉजिटिव लगा रहा है। हम देखें, हम इंसान को अपने ज़मीर की हमेशा आवाज़ सुननी चाहिए। अगर हम अपने अंदर का जो इंसान है वो आपको ये फील होती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ तो कोई कुछ करता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग प्रॉपर अप्रूवल लेके, मैं अपनी हाउसिंग या डेवलपमेंट की उससे बात कर रहा हूँ कि हम लोग प्रॉपर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बगैर एनओसी के काम कर रही हैं, जिनके पास लैंड ही कोई नहीं है। आप उनके साथ तो बड़ा आपका और किस्म का रवैया होता है और जो तमाम तकाजे पूरे करके आते हैं उनके साथ आपका और तरह का रवैया होता है। तो सोसाइटी तो हवाओं में होती है ना। एग्जैक्टली exactly कहीं से भी वो रजिस्टर्ड नहीं होती, बस वो एक दफ्तर बना के तो वो लोग बैठ जाते हैं ऐसे ही। तो बस ना कोई लैंड होती है ना कुछ होती है, फाइलें भेज के तो वो जब उनकी टारगेट पूरा हो जाता है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। बिल्कुल इस हवाले से आपने तो माशाल्लाह यहाँ पे अपने जितने भी थ्रू प्रॉपर चैनल सारे आपने इम्प्रूव किया हुआ है, इस हवाले से बात करें। और दूसरा ये आजकल कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं है, आप आरडीए के डिपार्टमेंट से जाके हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। वहाँ के डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पर पूरा अमला स्टाफ बैठा हुआ है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है हर एक चीज़ के हवाले से कि किस सोसाइटी की। अब तो वहाँ पे बिल्कुल डेस्क बन गया है हर चीज़ जो है ना, अब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया सिस्टम। आप आरडीए बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, पंजाब के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, फाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि किस सोसाइटी का क्या जो है वो सिचुएशन है। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलत खबरों से गुरेज करें और पॉजिटिविटी के साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना चाहिए। और जहाँ पर हाँ कोई इंसान गलत काम कर रहे तो उसको डेफिनेटली वहाँ पर तो हाईलाइट करना चाहिए उसको। एग्जैक्टली, बल्कि उससे पहले आपको आपके पास आना चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका जो है ना एक थोड़ा सा लेना चाहिए मौका, पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, ठीक है ना, कि आप ये मैंने देखा है तो अगर आप इसके बारे में है, हो सकता है कि आप ठीक हो हम गलत हो, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, हमारी नज़रों में वो गलत आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी नज़र में वो ठीक हो। जब आपके साथ हम लोग मिलके बैठेंगे तो वो सारा का सारा जो है ना हमें मालूम हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट, कम अज़ कम मौकफ लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो आपके ऊपर खबरें वगैरह लग रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं तो बस कोई ख़ास इतना कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की खबरों से गुरेज करें और सबसे पहले किसी चीज़ की भी आप खबर लगाते हैं तो उसकी तहकीकात करनी चाहिए। सही। और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अगर कोई बंदा गिल्टी हो तो डेफिनेटली उसकी खबरें उसको हाईलाइट भी करना चाहिए
और सबसे पहले इदारे बने हुए हैं, मुतलका इदारे बने हुए हैं, वहाँ से आप जाके कन्फर्मेशन लें। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। लास्ट पे आप 2-2.5 साल से आप लोग किस रहे हैं, अब हुकूमत बनने जा रही है, ठीक है, अभी भी मखलूती हुकूमत बनने जा रही है, जैसे PDM 2 लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि हम भी देख रहे हैं, क्योंकि तो एक पार्टी की हुकूमत हो उसमें डिसीजन पावर जो है ना वो कुछ और होते हैं। जब आप 3-4 पार्टियां बना के हुकूमत बना रहे होते हैं तो उसमें उजरा कुछ हो सकते होते हैं, कुछ उसके यानी कि मिल बांट के बंदर बांट सी जैसे शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसी तरह की होती है। किस नज़र से देख रहे हैं, क्या हमारे मौशी हालात ठीक हो जाएंगे इस हुकूमत के आने के बाद, जैसे शहबाज शरीफ कल अनाउंस हुए हैं जी, और सदर आसफ अली जरदारी साहब, अब सेनेट के चेयरमैन की भी बारी है, स्पीकर कौमी असम्बली, ये सारी चीज़ें हैं, क्या आप आने वाले दौर में अपनी कोई इस सोसाइटीज़ के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, अपनी हमारे पाकिस्तान की मौशी हालत जिस वक्त बहुत बुरी तरह डिफॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, खासतौर पे IMF की किस्त भी हमारे नज़दीक है, और हमारे स्टेट बैंक में हमारे डॉलर्स की जो है वो तकरीबन को 7.9 है, और हमने तकरीबन को 23 के करीब जो है ना वो हमने देने हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस हुकूमत को आप किस नज़र से देख रहे हैं, ताकि आपका जो काम की रूटीन है वो अच्छे तरीके से चले, ताकि आदमियों को रोज़गार मिले, जो क्राइम में इजाफा हुआ है वो सारा जो है ना सिलसिला ख़त्म हो। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने निर्माण में जानना चाहिए, और जब तक हम अपने हालात नहीं ठीक करेंगे तो हमारे ऊपर इसी तरह के हुक्मरान मसलत होंगे जैसे हमारी कौम की हालत। तो हम हर बंदे का, हर इंसान का, जैसे आपका पेशा साहबत का है, हमारा डेवलपर सिर्फ डेवलपर हैं, हम ज़मीनें डेवलप करते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं या मुख्तलिफ डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो हम अपने अपने काम में अगर सिंसियर हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बजाय कि हम तवक्कुआत करें कि फ़लाँ हुकूमत फ़लाँ पार्टी जो है वो आके जो चीज़ों को बेहतर करेगी, वो तो बिल्कुल मेरे साथ हुकूमत का तो एक रोल होता ही है ना, जरा जब इन्वेस्टर नहीं आएगा मुल्क में, ठीक है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज में, तो फिर उस वक्त तो असर पड़ेगा ना सर। डेफिनेटली ये रोल होता है हुकूमत का, लेकिन बात ये है कि वही आप वाली बात आ जाती है कि अगर मैंडेट मिले किसी हुकूमत को तो वो डिसीजन कर सकती है या इन्वेस्टर्स को लेके आ सकती है या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। अगर आप इसी तरह से जो है वो मांगे तांगे की हुकूमत बनाएंगे तो उससे तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो एक दूसरे को ब्लैकमेल ही करेंगे और जिस तरह से हमारे 16 माह का ये पीछे एक सिलसिला चला PDM का, उसमें आपको पता खान साहब की तरीके से डेवलपमेंट्स हुई है, कितना एक मुल्क ने तरक्की की है, तो आगे भी डेफिनेटली, क्योंकि आइन के तहत तो हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि केयर टेकर 3 महीने की होती है, तो कितना अच्छा हो गया आप ये भी तो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी। तो इस हवाले से तो पाकिस्तान की मौशी हालत पे तो बड़ा, दूसरा ये कि आपके ये इलेक्शन जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आ गया, चट्टा साहब का जेलम के कार्डों ने डिजाइन कर दिया, वो भी बैलों में मुल्क चले गया, अब ये सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर इस तरह के लोग जो चाहे वो बयानबाजी या अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू कर देंगे तो आप इस इलेक्शन को मतनाजा नहीं, तो क्या समझेंगे लोगों की नज़र में, फिर कुछ हो जाए, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ और कहा, हमारे मीडिया ने कुछ और कहा, अभी कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा, देखें वो क्या बनता है इस हवाले से। लेकिन है कि अल्लाह पाक से एक उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लिए जो है ना कोई बेहतरी लाए, कोई ऐसा हुक्मरान हमें नसीब करे जी, जो हमारे मुल्क की मौशी हालत को ठीक कर सके, ताकि हमारी आवाम, हमारे जराइम्स ये सारे ख़त्म हों, और लास्ट पर हुकूमत जो बनने वाली है उसको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हों। और वो सबसे आई थिंक सबसे बेस्ट मैसेज था कि जो है एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलजुल के जो है वो मामला को तय किया जाए, और अच्छे तरीके से जो है वो एक जो अभी गवर्नमेंट बनी है उसको लेके चला जाए, ताकि मुल्क भी खुशहाल हो, पाकिस्तान भी खुशहाल हो, और पाकिस्तान में बसने वाले लोग भी। मतलब हम अपनी सीट के लिए तो सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते, अलमिया ये है, अगर हम पाकिस्तान के लिए सोचें ना तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा है, 4 मौसम है, सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम बेहतर से बेहतर काम करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। नाज़रीन ये थे मलिक उस्मान आज़म साहब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उस हवाले से इनका ये कहना था, ख़ास तौर पे जो हमारे साथी कम्युनिटी के भाई हैं, तो कम से कम जो है ना वो तहकीक कर लिया करें खबर के हवाले से,
तो जब आप तहकीक करेंगे तो उस वक्त जो भी होगा तो आप बेशक उसको लिखें। इदारे सब कुछ काम कर रहे हैं तो इदारों के हवाले से जो है ना वो सब कुछ आप करें, उसमें कोई उनको इतराज़ नहीं है। दूसरा, खास तौर पे आने वाली हुकूमत जो इस वक्त बन रही है, अल्लाह करे ये हुकूमत जो है ना हमारे लिए अच्छी साबित हो, हमारे जो इस वक्त मौशी हालात जो बहुत बुरी तरह गिर चुके हैं उसके हवाले से बात करता जाऊँ तो वो ठीक होंगे, तो हमारे ये लोग ठीक होंगे और हमारे ये टैक्स देंगे, रेवन्यू देंगे पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर रोज़गार मैसर होगा तो हमारे क्राइम में जो है ना वो कमी आएगी और वो जो लोग आजकल ये सारा सिलसिला कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन अमीन के साथ डॉक्टर नवीद।